जीतिया की व्रत कथा। सालों पहले नर्मदा नदी के ठीक पास कंचनवटी नाम का एक नगर बसा हुआ था। वहां राजा मलय केतु का शासन था। कंचनवटी नगर के पास में ही एक रेतीली बालूहटा नामक जगह थी, जिसके पास में एक बड़ा सा पेड़ था। उस पेड़ में एक चील रहती थी और नीचे एक गीदड़। दोनों में गहरी दोस्ती थी। एक दिन दोनों ने सोचा कि सारी महिलाएं जीतिया व्रत करती हैं, तो क्यों ना हम भी कर लें। इसी सोच के साथ उन्होंने ठान लिया कि अब वो भी इस व्रत को करेंगी। उन्होंने श्री जीवतवाहन भगवान को मन ही मन नमस्कार करते हुए कहा, हम आपकी पूजा और व्रत पूरी विधि के साथ करेंगे। जैसे ही व्रत का दिन आया तो पास के ही एक धनवान व्यापारी की मौत हो गई। उसको अंतिम विदाई देने के लिए बालूहटा ही लाया गया, जहाँ गीदड़ और चील रहते थे। व्रत के दिन गीदड़ ने मरे हुए व्यक्ति को देखा तो उसे भूख लग गई और वह खुद को रोक नहीं पाई। मांस खाने की वजह से उसका व्रत उसी वक्त टूट गया। उस व्यापारी के शव को चील ने भी देखा था, लेकिन उसने व्रत के कारण उसे नहीं खाया। उसके बाद चील और गिदड़ दोनों अगले जन्म में कंचनवटी के भास्कर नामक ब्राह्मण के घर में बेटी के रूप में पैदा हुए। चील का जन्म बड़ी बहन के रूप में हुआ, जिसका नाम शीलवती पड़ा, और उसकी शादी बुद्धिसेन नामक लड़के से कराई गई। गिदड़ का जन्म उसकी छोटी बहन कपूरावती के रूप में हुआ। समय होने पर उसका विवाह कंचनवटी के राजा मलय केतु से उसके पिता ने करवाया। भले ही कपूरावती विवाह के बाद कंचनवटी की रानी बन गई हो, लेकिन उसे बेटे का सुख कभी नहीं मिला। उसके घर जितने भी बच्चे जन्म लेते थे वो उसी दिन मर जाते। ऐसा होते होते कपूरावती काफ़ी परेशान हो गई। इधर उसकी बड़ी बहन शीलवती को 7 बेटे हुए। जब उसके सारे बेटे बड़े हो गए तो उन्होंने महल में कार्य करना शुरू कर दिया। अपनी दीदी के बेटों को देखकर धीरे धीरे कपूरावती रानी के मन में जलन का भाव पैदा होने लगा। उसने इसी जलन की वजह से अपने पति को कहकर अपनी दीदी के सारे बेटों के सिर कटवाकर एक बर्तन में रख दिए। उन सभी 7 बर्तनों को कपूरावती ने लाल रंग के कपड़े से ढक दिया और अपनी दीदी शीलवती के पास भिजवा दिया। भगवान जीवतवाहन भी ये सब देख रहे थे। उन्होंने रास्ते में ही 7 भाइयों के सिर को धड़ से जोड़ा और अमृत पिलाकर जिंदा कर दिया। फिर सभी भाई अपने घर चले गए और उन बर्तनों में भगवान की कृपा से फल भर गए। उधर कपूरावती अपनी दीदी के घर से शोक समाचार मिलने के इंतजार में बैठी हुई थी। जब कोई संदेश नहीं आया तो वह खुद ही शीलवती के घर चली गई। वहां जैसे उसने अपनी दीदी के सारे बेटों को जिंदा देखा तो वह हैरान हो गई। कुछ देर बाद उसने अपनी दीदी शीलवती को अपनी हरकत के बारे में बताया। उसने कहा कि किस तरह उसने बर्तनों में उसके बेटों के सिर काट कर डाल दिए थे और जोर जोर से रोने लगी। तभी शीलवती को अपने पिछले जन्म के बारे में याद आ गया। वो अपनी छोटी बहन को उसी पेड़ के पास लेकर गई जहां वह पहले रहा करते थे। उसने कपूरावती को पिछले जन्म में रखे जीतिया व्रत की पूरी कहानी बताई। यह सब जानते ही कपूरावती ने उसी वक्त अपना दम तोड़ दिया। राजा को तुरंत शीलवती ने इस बात की जानकारी भिजवाई। अपनी पत्नी के बारे में दुख भरा समाचार मिलते ही राजा वहां पहुंचे और कपूरावती को उसी पेड़ के नीचे अंतिम विदाई दी। इस कहानी की सीख यह है कि बुरे कर्म कभी भी पीछा नहीं छोड़ते, गलत कर्मों की सजा को भोगना ही पड़ता है।